इट्स टाइम क्लास 4 चैप्टर 1 ब्रेव रानी लक्ष्मीबाई। माला रन ऑल द वे बैक होम फ्रॉम स्कूल। एज सी इंटर द हाउस मदर हग्ड एंड ग्रैंडमदर किस्ड हर। सी सैड लुक एट दिस मेडल दैट आई हैव गॉट। प्रिंसिपल मैम गिव इट टू मी इन द मॉर्निंग असेंबली एंड ऑल द चिल्ड्रन क्लैप। माला स्कूल से घर वापस पूरे रास्ते दौड़ते हुए आई और जैसे ही उसने घर में एंट्री की उसकी माँ ने उसे गले लगाया और उसकी दादी माँ ने उसको किस किया और उसने कहा कि ये मेडल को देखिए जो प्रिंसिपल मैम ने मुझे असेंबली में सुबह सबके सामने दिया था और सारे बच्चे मेरे लिए तालियां बजा रहे थे। हर मदर स्माइल्ड दैट इज़ अमेजिंग यू हैव टोल्ड अस दैट यू वुड गेट इट टूडे व्हाट डू योर प्रिंसिपल से इन द असेंबली। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा यह बहुत ही लाजवाब है तुमने हमें बताया था कि ये तुम्हें मिलने वाला है लेकिन तुम्हारे प्रिंसिपल ने असेंबली में क्या कहा। माला's आई सोन विथ एक्साइटमेंट वेल सी सैड दैट दिस मेडल इज़ फॉर बींग अ ब्रेव गर्ल। माला की आँखें उत्तेजना से भर गईं और उसने कहा कि अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि यह प्राइज़ हमें एक बहादुर लड़की होने की वजह से मिला है। आई फॉट विद टू मैन ऑल अलोन एंड गोट बैक निधि मैम्स पर्स फ्रॉम देम। मैं उन दोनों आदमियों से अकेले लड़ी और निधि मैम का पर्स वापस लाकर उन्हें दी। सी टोल्ड द चिल्ड्रन दैट व्हेन टू मैन हिट निधि मैम। उन्होंने बताया कि जब वे दो आदमी निधि मैम को धक्का दिए सी फैंटेड एंड दे स्नैच्ड हर पर्स। उन्होंने उन्हें धक्का देकर उनके पर्स को छीनने की कोशिश की एंड ट्राइड टू एस्केप ऑन देयर मोटरसाइकिल और वहां से मोटरसाइकिल पर भागने की कोशिश की। प्रिंसिपल मैम टोल्ड एवरीवन दैट आई थ्रो माई स्कूल बैग एट द मैन एंड दे फेल फ्रॉम देयर बाइक। प्रिंसिपल मैम ने सभी को बताया कि मैंने अपना स्कूल बैग फेंक कर उन दोनों आदमियों को मारा और वे दोनों बाइक से गिर गए। आई इमिडिएटली शाउटेड फॉर द हेल्प। मैं तुरंत ही वहाँ सहायता के लिए चिल्लाई एंड मैनी पीपल गैदर्ड देयर और बहुत सारे आदमी वहाँ इकट्ठा हो गए। द टू मैन वर फाइनली कॉट। वो दोनों आदमी पकड़े गए। All the teachers and students clap for me. सभी student और teacher मेरे लिए तालियां बजा रहे थे। Principal ma'am also said that I am like Rani Lakshmibai. Principal ma'am ने भी कहा कि मैं रानी लक्ष्मीबाई के जैसी हूँ। Grandmother laughed and said. Grandmother हंसने लगी और बोली Oh my brave Mala is called Rani Lakshmibai now. मेरी बहादुर माला अब रानी लक्ष्मीबाई कहलाएगी। सीरियसली ग्रैंडमा आई रीड अबाउट हर लास्ट ईयर बट डू टेल मी मोर अबाउट रानी लक्ष्मीबाई। ग्रैंडमा सेट योर चाइल्ड। हाँ दादी माँ मैंने उनके बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा था। क्या आप मुझे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में और अधिक बताएंगी। दादी माँ ने कहा हाँ जरूर मेरे बच्चे। माला एडेड व्हेन द इंसिडेंट हैपेंड आई वॉज अफ्रेड फॉर अ मोमेंट द मैन कुड हैव हार्म मी बट आई ओवरकम द फियर एंड एक्टेड ब्रेवली। माला ने कहा सिर हिलाते हुए जब वो दुर्घटना हुई थी तो मैं बहुत डर गई थी। वे आदमी मुझे भी नुकसान पहुंचा सकते थे लेकिन मैंने अपने डर को हावी होने नहीं दिया और मैंने बहादुरी से काम किया। दे सैट कम्फर्टेबली ऑन द सोफ़ा। वे दोनों सोफ़ा पे बैठ गई। माला's mother got busy in the kitchen and grandmother continued. Rani Lakshmibai was one of the most important warrior of India's first struggle for independence against the British rule. दादी माँ ने कहानी शुरू की। रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही बहादुर योद्धा थी। अंग्रेजों के खिलाफ भारत की आज़ादी की लड़ाई में उनका बहुत ही बड़ा योगदान था। सी वॉज बॉर्न ऑन 19 November 1835 एट पूना। हर फादर वॉज कोर्ट एडवाइजर एंड मदर वॉज स्कॉलरली वोमैन। सी लॉस्ट हर मदर एट अ वेरी अर्ली एज। हर फादर इनकरेज्ड हर टू लर्न टू राइड एलिफेंट्स हॉर्सेस एंड टू यूज वेपन्स। सी ग्रेव अप विथ नाना साहिब एंड तात्या तोपे। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 November 1835 में पूना में हुआ था। उनके पिताजी दरबार के सलाहकार थे और माता बहुत ही बड़ी विद्वान थी।
उन्होंने अपनी माता को बहुत ही छोटी उम्र में खो दिया था। उनके पिता ने उनको इनकरेज किया यानी हौसला दिया और उनको घुड़सवारी सिखाई, हाथी की सवारी करना सिखाई और शस्त्र को यूज़ करना भी सिखाया और वो नाना साहेब और तात्या तोपे के साथ बड़ी हुई। माला लुक्ड सरप्राइज बट व्हेन डिड सी फाइट विद द ब्रिटिश सोल्जर। माला बहुत ही आश्चर्यचकित दिख रही थी लेकिन वो ब्रिटिश सरकार के सैनिकों से लड़ी भी। ग्रैंड मदर ने कहा, वेट डियर, हाँ बेटा रुको, आई विल टेल यू मोर अबाउट रानी लक्ष्मीबाई। सी वॉज मैरिड टू द रूलर ऑफ झांसी राजा गंगाधर राव इन 1842 एंड वॉज कॉल्ड लक्ष्मीबाई। मैं तुम्हें रानी लक्ष्मीबाई के बारे में और भी बातें बताती हूँ। उन्होंने झांसी के राजा गंगाधर राव से 1842 में शादी कर ली और तब उन्हें रानी लक्ष्मीबाई कहा गया। सी गिव बर्थ अ सन हु अनफॉर्चुनेटली डाइड। उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जो कि दुर्भाग्यवश मृत हो गया। देन द किंग एडॉप्टेड दामोदर राव एज हिज सन। तब राजा ने दामोदर राव को अपने पुत्र के रूप में गोद ले लिया। ड्यू टू हिज ऑन सन डेथ अपने पुत्र के मृत्यु के बाद एंड इल हेल्थ उनकी स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगी। राजा गंगाधर राव ऑल्सो डैड इन 1853। राजा गंगाधर राव की भी मृत्यु हो गई सन 1853 में। रानी लक्ष्मीबाई वॉज जस्ट 18 ईयर ओल्ड। उस समय रानी लक्ष्मीबाई 18 वर्ष की थी। सी अटैक्ड करेजियसली एंड टुक अप हर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो बहुत ही साहसी थी और अपनी जिम्मेदारियों को भी उन्होंने संभाला। द ब्रिटिश डिड नॉट एक्सेप्ट दामोदर राव एज द लीगल हायर। यानी कि जो अंग्रेजी सरकार थे उन्होंने दामोदर राव जो रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र थे उनको लीगल रूप से अपना शासक नहीं माना एंड वॉन्टेड टू टेक झांसी और वो चाहते थे कि झांसी उन्हें मिल जाए। दे ऑर्डर रानी लक्ष्मीबाई टू लीव झांसी। उन्होंने आदेश दिया रानी लक्ष्मीबाई को कि झांसी छोड़कर चली जाए एंड ग्रांटेड हर एन एनुअल विजन बट सी रिफ्यूज टू गिव अप झांसी। उन्होंने कहा कि आप यहां से चले जाएं और हम आपको वार्षिक रूप से भत्ता यानी कि व्यवस्था आपको भेजते रहेंगे, पेंशन भेजते रहेंगे। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने जाने से मना कर दिया। नाना साहब तात्या तोपे एंड मैनी अदर ज्वाइन हर टू फाइट द ब्रिटिश। नाना साहब और तात्या तोपे बहुत सारे लोग उनके साथ ब्रिटिश से लड़ने के लिए सामने साथ आए। मैनी वोमेन ऑल्सो सपोर्टेड हर। बहुत सारी औरतों ने भी उनका साथ दिया। दे वर गिवन मिलिट्री ट्रेनिंग टू फाइट देयर एनिमीज। उनको सभी को मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई थी जिससे कि वो अपने दुश्मनों से लड़ सके। माला सैड। माला ने कहा, वोमेन ऑल्सो फॉट द एनिमी विद वेपन। कि क्या औरतें अस्त्र शस्त्र के साथ एनिमी से लड़ सकती हैं, दुश्मनों से लड़ सकती हैं। ग्रैंड मदर ने स्माइल किया और कहा, यस, हाँ, जस्ट लाइक यू फॉट द टू मैन इम्पटी हैंडेड। जैसे कि तुमने उन दोनों आदमियों से बिना कुछ यानी कि अकेले हाथों से लड़ा। देन द ब्रिटिश अटैक्ड झांसी। उसके बाद ब्रिटिश ने अंग्रेजों ने झांसी पर अटैक किया एंड रानी लक्ष्मीबाई फॉट देम ब्रेवली। और रानी लक्ष्मीबाई उनसे बहादुरता से लड़ी। हर आर्मी फॉट फॉर अबाउट 2 वीक। उनकी जो सैनिक थी वो 2 सप्ताह तक लड़ती रही। बट सी हैड अ स्कैप ऑन हर हॉर्स। लेकिन अचानक वो अपने घोड़े से हट गई, गिर गई। बादल विथ हर सन दामोदर राव सिक्योरली, जो कि घोड़े का नाम था बादल, अपने बेटे के साथ सेफ्टी रूप से वो क्या की अपने घोड़े के ऊपर टायर्ड हो गई, बांध ली अपने पीठ पे अपने दामोदर बेटे को। सी वेंट टू कल्पी और कल्पी की तरफ गई एंड फाइनली टू ग्वालियर और ग्वालियर के तरफ गई। सी गेव अप हर लाइफ फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ झांसी। उसने
अपना जीवन झांसी की आज़ादी के लिए त्याग दिया। व्हाट अ ब्रेव वूमेन, कितनी बहादुर महिला थी, माला ने कहा। ग्रैंड माँ यू आर राइट, दादी माँ आप बहुत सही हैं। ऑल वोमेन सुड ब्रेव लाइक हर, सभी औरतों को उनके जैसा बहादुर होना चाहिए। मालाज मदर कॉल्ड आउट, माला की माँ ने उसे बुलाया। माला तुम्हारा लंच तैयार हो गया है, इट्स रेडी। माला हग्ड हर ग्रैंड मदर एंड सेड, माला ने अपनी दादी माँ को गले लगाया और कहा, थैंक्स फॉर द स्टोरी, आपका धन्यवाद इस कहानी के लिए। यू आर द बेस्ट ग्रैंड माँ इन द वर्ल्ड, आप संसार में सबसे बेस्ट दादी माँ हो। ग्रैंड मदर स्माइल्ड, ग्रैंड मदर ने स्माइल किया और कहा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू माला, मैं तुम पे बहुत गर्व करती हूँ माला।